सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 16 धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। शो में खूब सारा ड्रामा, लव एंगल और एंटरटेनमेंट देखने को मिल रहा है। ये सीजन इसलिए भी अलग है क्योंकि बिग बॉस खुद भी कंटेस्टेंट्स के साथ खेल रहे हैं। शुक्रवार का वार भी इस बार काफी हंगामेदार हो गया जब सलमान खान ने घर में एंट्री ली और घर वालों को उनकी असलियत दिखाई। दरअसल अब तक जिसने भी पीठ पीछे किसी के खिलाफ कुछ कहा तो सलमान खान ने सबके सामने वो रिवील कर दिया, जिसके बाद हंगामा होना ही था। शो में सुम्बुल तौकीर एक मजबूत कंटेस्टेंट शुरू से ही मानी जा रही हैं। 14वें दिन सुम्बुल के पिता शो में पहुंचे थे और उन्होंने बेटी को सच से रूबरू करवाया। शालीन भनोट संग उनका नाम जोड़ा जा रहा था, लिहाजा उन्होंने हर रिश्ते की असलियत सुम्बुल को बताई। सुम्बुल के पापा ने टीना और शालीन को जमकर खरी-खोटी सुनाई। वहीं जब शालीन ने कुछ बोलना चाहा तो सलमान खान ने उन्हें सीधे तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बीते एपिसोड में दिखाया गया कि सुम्बुल के पापा उन्हें सच का आईना दिखा रहे हैं कि कैसे टीना दत्ता ने उनके खिलाफ साजिश रची और कैसे शालीन भनोट ने उनका तमाशा बनाया। सुम्बुल के पापा के इस खुलासे के बाद सुम्बुल का गुस्सा शालीन और टीना पर फूटा है। नया प्रोमो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि सुम्बुल शालीन और टीना से बेहद नाराज हैं। जहां टीना और शालीन सुम्बुल को मनाते नजर आते हैं, वहीं दोनों अपनी बात सुम्बुल को समझाने की कोशिश करते हैं, वहीं सुम्बुल कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। शालीन घर वालों के सामने सुम्बुल से कहते हैं कि मेरे किसी भी जेस्चर से कभी ये लगा कि मैंने इनकी रिस्पेक्ट नहीं की। टीना कहती हैं कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है सुम्बुल। इस पर सुम्बुल कहती हैं कि तुम दोनों मुझसे दूर हो जाओ। शालीन कहते हैं कि आप बात नहीं समझ रहे हो, पूरी दुनिया मजाक बना रही है। इस पर सुम्बुल कहती हैं कि मैं अब तुम लोगों पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ। इससे तो यही लग रहा है कि इन तीनों की दोस्ती के बीच दरार पड़ गई है। क्या टीना और शालीन के माफी मांगने से इनके रिश्ते में नया मोड़ फिर से आएगा? ये तो आने वाले एपिसोड में देखने के बाद ही साफ होगा। यानी 14वें दिन कई कंटेस्टेंट की आंखें खुली तो कईयों को 440 वोल्ट का झटका लगा। इससे ये भी साफ है कि 15वां दिन शांत नहीं होने वाला है। वीकेंड के वार में धमाके की गूंज पूरे हफ्ते सुनाई देती रहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।